ये थे जनाब डॉक्टर अमर अनवी साहब, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे। एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए कि दरिया की तरफ शान से अब्बास चले हैं, दरिया की तरफ शान से अब्बास चले हैं, जिब्रील भी खैबर का समा देख रहे हैं, जिब्रील भी खैबर का समा देख रहे हैं, क्या समझेगा अब्बास की अजमत को जमाना, ये ज़ैनब और शब्बीर की गोदी के फले हैं। क्या समझेगा अब्बास की अजमत को जमाना, ये ज़ैनब और शब्बीर की गोदी के पले हैं। क्या समझेगा अब्बास की अजमत को जमाना, ये ज़ैनब और शब्बीर की गोदी के पले हैं। यूं कूफे के बाजार में था खुद बाए ज़ैनब, महसूस ये होता था अली बोल रहे हैं, महसूस ये होता था अली बोल रहे हैं। आइए हजरात, मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब नायाब बली अभी साहब से कि वो आए और बारगाह है मौला में मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। जनाब नायाब बलियाबी साहब, बेहतरीन शायरी हुई, बेहतरीन कलाम आए और नहायत ही कामयाब ये जश्न। चंद अशआर मलाहमई, चार मिसरे चौथे इमाम की शान में, उसके बाद वो तीन शेर और पेश कर दें मलाहमई। अब मद्यखानी की दुनिया में कुछ उल्टे सीधे अशार दिया जाते हैं जिसका जवाब देना लाजिम मलजूम होता है। नाम लेना मकसद नहीं है मुलाज़ हमें, उसे एक गलत शेर आया, उसे जंजीर पहनाई थी जिसको होश न था। चार मिसरे मुलाज़ हमें, जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, जिसे समझता है बीमार कह दो जालिम से, कभी वो जुल्म पे खामोश हो नहीं सकता, कभी भी कभी वो जुल्म पे खामोश हो नहीं सकता। मनोहर साहब, गलत ख्याल है मौला, को मेरे होश न था, गलत ख्याल है मौला, को मेरे होश न था, इमाम वक्त है बेहोश हो नहीं। गलत ख्याल है मौला को मेरे होश न था, इमाम वक्त है बेहोश हो नहीं सकता, इमाम वक्त है बेहोश हो नहीं सकता। माजिद भाई शेरवा भाई, उसके बहुत ही खूबसूरत रसाला आपने छापा, बड़े अच्छे अच्छे मजमून उसमें मैंने देखे। चार मिसरे पेश करता हूँ इसके हवाले से दो शेर और, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि एजाज भाई इनको हम सुनना चाहते हैं। मेरी तो ट्रेन थी, मैं भाई से 12 बजे से कह रहा था, लेकिन अब कुछ लोग मुझे ले आए कि नहीं कुछ अशार पढ़ दीजिए, तो तबर्रुकन मौला की बारगाह में शेर पेश करना चाहता हूँ मुलाकात मैं। जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है, जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है, फन तो मरता ही है फनकार भी मर जाता है, फन तो मरता ही है फनकार भी मर जाता है, जब तक कब्र के हवाले से हुनर जाता है। देखें उधर भाई, साहबे फन हो तो रुतबे में सेवा होगा जरूर, साहबे फन हो तो रुतबे में सेवा होगा जरूर,
इनके सारी हो तो फन और निखर जाता है। साहबे फन हो तो रुतबे में सेवा होगा जरूर, इनके सारी हो तो फन और निखर जाता है। जब तक कबूल के, अब जिस शेर के लिए मैंने तमहीद के अशआर सुना वो शेर लाओ भाई, पेश करना चाहता हूँ। जब तक कबूल के हुर को एहसास से, अगर शेर आप तक पहुँचता है तो जो लोग दूर से हाथ उठा रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करूँगा कि वो अगर कोई प्रॉब्लम पैरों में ना हो तो, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं चाहूँगा कि आप वहीं तशरीफ़ रखें, लेकिन दो तीन शेर आपको सुना करके आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा मैं। अब तकरीर यहाँ से ख़त्म मिला भाई। जब तक कबूल के हवाले से हुनर जाता है फल तो मरता है, फन तो मरता ही है, फनकार भी मर जाता है। हुर को एहसास से नदामत ने बुलंदी बख्शी, हुर को एहसास से नदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता है। उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता, सलावत को एहसास से नदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता है। कलीम साहब शेर बुलाओ भाई, तमाम जाल भाई बुलाओ भाई। हुर को एहसास से नदामत ने बुलंदी, हुर की ताजीम को जहरा के बढ़े नजमो कमर, हुर की ताजीम को जहरा के बढ़े नजमो कमर, सुबह आशूर कोई इतना संवर जाता है। सुबह आशूर कोई इतना संवर जाता है। हुर की हुर को एहसास से नदामत ने बुलंदी बख्शी, उसकी ताजीम को जहरा का पेसर जाता है। हुर के दीदार को जहरा के बढ़े नजमो कमर, हुर के दीदार को जहरा के बढ़े नजमो कमर, सुबह आशूर कोई इतना संवर जाता है। सुबह आशूर कोई इतना संवर जाता है। आखिरी शेर इस सिलसिले का एक मैसेज, ये अंदाज सुन्नी ला ने भी इजाज़त नहीं दिया है और न शिया ला ने इजाज़त दिया है। एक ही सांस में क्यों दीजे सकीफाई तलाक, एक ही सांस में क्यों दीजे सकीफाई तलाक, एक हंसता हुआ घर इससे बिखर जाता, एक हंसता हुआ घर इससे बिखर जाता। हाँ मैं पेश किए देता हूँ, वरना मैं यहीं से अपनी बात खत्म कर देता। हुर के दीदार को जहरा के बढ़े नजमो कमर, सुबह आशूर कोई इतना संवर जाता है। एक ही सांस में क्यों दीजे सकीफाई तलाब,
एक हंसता हुआ घर इससे बिखर जाता है, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। हिंदुस्तान खूबसूरत क्यों है भाई? फखरी मेठी साहब, पर्वत ऊंचा जिसका, जिसके हजारों हजार, जिस गोद में हजारों नदियां, नहीं हिंदुस्तान यूं भी खूबसूरत है। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दा, अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिस। चांद मुहर्रम का जब निकला गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ले यजीदी मुर्दाबाद, हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में है हम सब आजाद, इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान, अज़ा खाने है जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने है जिसकी शान। यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, यूपी एमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर, दादा साहब इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम, गंगा जमुना की है सबीले तश्न लबों की याद में आम, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। अबुज़र भाई, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, यूपी एमपी कर्नाटक, फखरी भाई मुनव्वर साहब,
यूपीएमपी कर्नाटक गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सभी ले तश्ना लबों की याद में आम, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल लिए हुए अश्कों का जाम। दस्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान, अजा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। जैसा प्लेटफॉर्म हमें नसीब है, दुनिया के किसी कौम को नसीब नहीं है। मौला भाई रजा भाई खासतौर से पेश करना चाहता हूँ, एजाज भाई पेश करना चाहता हूँ भाई। यूपीएमपी करना मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है हिंदुओं, लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें, सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा परवाने से, फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। अदा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अदा खाने हैं जिसकी शान, ख़ास तौर से अहले जायस की नज़र। मैंने कल्ब अहमद मानी जायसी वाले भाई, मैंने उन पर वो मेरे पीएचडी के मजमून थे और जायस के हजरात बहुत हैं, मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ। आखिरी बंद और आपकी जमा तमाम। अजा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। मैंने मिसरा दिया भाई, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, इस तरह की नज़में आनी चाहिए रदा भाई जाग, जिससे हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मौलाना भाई झाऊलाल का इमामबाड़ा ताजमहल भी हिंदू की देखरेख में बना है, आसफुद्दौला का इमामबाड़ा भी कोई लखनऊ की तारीख उठा कर देखे एक हिंदू की देखरेख में बना है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मौलाना भाई खासतौर से मुल्क है मेरा, और जो मुल्क का गद्दार है उसका खून नजिस है, वो अहले बैत का दुश्मन है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार, इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुद कुछ हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार, एक बम बांधिए 100 लोगों को उड़ाइए, ये कौन सा इस्लाम। खुद कुछ हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार, घर जहरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार, घर जहरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, बाप से है अलजान। अजा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला नाम है हिंदुस्तान, अजा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। शुक्रिया, नवाज़िश।